इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। तमाम मुसलमानों को माह रमजान मुबारक। आज से रमजान शुरू हुआ है। सबसे पहले अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र जिसने हमें रमजान तक पहुंचाया और इस महीने की बरकत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। खैर, इस महीने में तरावी के साथ पांचों नमाजों में मुसलमान मस्जिदों में नजर आते हैं। सौम सलात की पाबंदी करने वालों का बड़ा तबका इस माह मुबारक में पाया जाता है। कहते हैं शायतीन को इस महीने में जकड़ दिया जाता है। घरों में भी कुरान करीम की तिलावत की जाती है। इस महीने के कई पहलुओं को इल्मी माहिरीन ने उजागर किया। इसे बद्र का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि 17 रमजान को इस्लाम की सबसे बड़ी जंग जंगे बद्र अमल में आई थी, जिसमें बजाते खुद दुश्मनों की जानिब से इब्लीस शरीक हुआ तो मुसलमानों की जानिब से फरिश्तों ने इसमें शिरकत फरमाई। अगर इसे मुसलमानों के वजूद की जंग कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि बद्र के मैदान में जब काफिरों की बड़ी तादाद को देखकर कुछ मुसलमानों के चेहरे पर डर नजर आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर इंकलाबी तकरीर फरमाई और बद्र के मैदान के छोटे टीले पर चढ़ गए और कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ कि अल्लाह से डरने वाले आज बूतों के पुजारियों से डर गए। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर तुम में से कोई बद्र के मैदान में ना खड़ा हुआ तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तने तनहा खड़ा होगा। ये जुमले सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में एक तरह का जज्बा पैदा हुआ और नारे तकबीर बुलंद हुआ। फिर रहते जमाने तक इस जंग को जंग बद्र के नाम से याद किया गया। अल्लामा इकबाल का शेर है, क्या गुलामी में ना काम आती है शमशीरे ना तदबीरे, जो हो जौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरे। कहने का मतलब, गुलाम कौम में कभी तारीख नहीं लिखा करती, तारीख क्या औराक बहादुरों के लहू के मुंतजिर होते हैं। जब जहद अल्लाह की राह में कट मरने का पैगाम रमजान का महीना देता है। मैज भूखा रहना इसका मकसद नहीं है, बल्कि एक इनकलाबी पैगाम इस महीने के जरिए से उम्मत को दिया जाता है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिदों में सिवाय अजर और सवाब कितने लाख ने किया इसी की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की जाती है, जिसका नतीजा आज हम गुलामी तक पहुंच चुके हैं। मैं कोई मौलाना नहीं हूं, हो सकता है कि मेरे कहने में कुछ गलती हुई हो, जिसकी माफी चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एक शहीद के मर्तबे पर उभारने के बजाय 100 शहीदों के अजर पर खड़ा किया जाता है। जाहिर है बिना खराश पाए के जन्नत हासिल करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। आज सारे के सारे इसी में रहना चाहते हैं, हर घर बैठे जन्नत हासिल करना चाहते हैं। आज कौन है जो हजरत बिलाल की तरह तपती रेत पर घसीटा जाए? ऐसा कौन है जिसके जिस्म पर आरियां चलाई जाए? कोई भी इसके लिए नहीं मिलता, क्योंकि हमने बद्र के मैदान को या इसकी तरबियत को महज सहरी इफ्तार या तरावी तक ही महदूद किया। इसकी असल रूह जो एक इनकलाबी पैगाम देती है, उसे हुकूमतों के डर और अपनी बुजदिली को छिपाने के लिए हिकमत का नाम देकर छिपाया गया। नबी की दिगर सुन्नतों पर अमल करने से पहले आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोचते थे, वही सोच जब तक हमारे अंदर पैवस ना हो जाए हम मुसलमानियत के उस मियार तक नहीं पहुंच पाते जो इस्लाम को मतलूब है। अगर हमने महज रमजान के महीने को खाने पीने का महीना बना लिया है तो हमारा भूखा रहना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कि हम रमजान की रूह को समझे, रूहानी और जिस्मानी तरबियत का नाम रमजान है। सभी जानते हैं कि हम छिप कर खा सकते हैं, पर इसलिए नहीं खाते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और इसलिए पूरा कर रहे हैं ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। लिहाजा अल्लाह भूखा रख कर उन मार्कों के लिए ईमानी तरबियत दे रहा है, जब भी मौका मिले अल्लाह की राह में सब कुछ निचौर कर सके, हत्ता कि अपनी जान। सहाबा कामयाब इसलिए हुए क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं था। तभी तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते थे कहते थे, अल्लाह के रसूल तुम पर तो मेरे माँ बाप कुर्बान, और उसके बाद वो अपने जुमले पूरे करते थे। आखिर हम सोचे तो सही के आखिर किस दर्जे तक दीन से अल्लाह रसूल से मोहब्बत हुआ करती थी। आज कोई भी मुशरिक कुछ भी इस्लाम को शान रसूल मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोलता है और हम मुसलमान कहलाने वाले बुजदिली का मुजारा करते रहते हैं। जब तक यह कौम तलवारों से खेलती थी तब किसी माइकल लाल में यह जरूरत नहीं थी कि आंख उठा कर देखे। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत ने हमें दुनिया की मजलूम तरीन कौम बना दिया। दुश्मनों के किसी भी साजिश का हिस्सा हम फौरन बन जाते हैं, बजाय दलील पेश करने के हम दूसरे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो कर रहा है तो क्या वो बेवकूफ है, मतलब हमारे पास बहुत दलील मौजूद है अपनी जान बचाने के। खैर, सबसे पहले इत्तेहाद की जरूरत है। हम एक मोहल्ले में रहते हैं पर जमात के जिम्मेदार का पता नहीं। सबसे पहले हम तमाम मसलकों को पसे पुष्ट डालकर इत्तेहाद का मुजाहरा करें। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन,
वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। लिहाजा इत्तेहाद मीडिया की जानिब से हम एक मुस्लिम डायरी बना रहे हैं जिसमें बेलगाम शहर और अतराफ के तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारान, सदर सेक्रेटरी के तफसीलात होंगे, मस्जिद की तस्वीर और जमात के जिम्मेदारों के नाम, फोन नंबर होंगे। मौजूदा हालात के मद्देनजर हम एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर किसी मोहल्ले में कुछ हो जाता है तो हम फौरन राब्ता कायम कर सकते हैं, एक दूसरे से वाबिस्ता हो सकते हैं। इत्तेहाद मीडिया की इस डायरी में मुस्लिम डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ताजिर, इदारे, जितने भी इदारे हैं मुसलमानों के, उसके तफसीलात होंगे, वकीलों के नंबर होंगे, यहाँ तक के पुलिस थानों के भी नंबरात होंगे, आला अफसरान के भी नंबर होंगे, ताकि हम किसी भी वक्त राब्ता कर सके। लिहाजा जमात के जिम्मेदार अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं तो इत्तेहाद मीडिया से राब्ता करें। एक बार फिर आप सभी को माह रमजान की पुरखलुस मुबारकबाद। एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि रमजान तरबियत का महीना है, आपको अल्लाह के दीन के सिपाही बनना है और इसी की तरबियत इस महीने में दी जाती है। अक्सर बेलगाम और अतराफ में देखा जाता है कि सहरी के बाद सो जाते हैं और जोहर के बाद उठ जाते हैं, फिर इफ्तारी की तैयारी, जामिया मस्जिद के पास रात भर घूमना, फिर ली समोसे कबाब खाकर फिर सहरी फिर इफ्तारी। क्या इसी के लिए रमजान है? कहाँ हो तुम? फिक्र मिल्लत कर, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमान में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।